हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वो सुहाने दिन में आपका स्वागत है। आपके वेलकम स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और उसके साइड में जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसे भी क्लिक करें। इससे ये होगा कि जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बॉलीवुड की चकाचौंध जिंदगी के पीछे एक काला सच भी छिपा हुआ है। बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे भी हैं जिनने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त काफ़ी तंगी में बिताए हैं। ऐसे ही कुछ कहानी अपने ज़माने की सुपरस्टार रही विमी की है। कई रिपोर्टर्स में कहा गया है कि आखिरी वक्त में विमी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि शराब के पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूट का पेशा भी अपना लिया था। इतना ही नहीं, विमी की लाश को एक चाय वाले के ठेले पर श्मशान लेकर जाया गया था। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली विमी ने जैसे ही पढ़ाई पूरी की और कोलकाता बेस्ट बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से शादी कर ली। कहा जाता है कि विमी के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। इसका कारण सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि विमी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और शिव बिजनेस घराने से। विमी को एक्ट्रेस बनाने का क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है। विमी से उनकी मुलाकात कोलकाता में एक पार्टी के दौरान हुई थी। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव को मुंबई इनवाइट किया। जब विमी मुंबई पहुंची तो रवि ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर बिया चोपड़ा से कराई। चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के भी अहम रोल थे। हमराज सुपरहिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। विमी अपना नाम बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेसेस से में शुमार करा चुकी थी, लेकिन उनके सास ससुर उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। विमी के सास ससुर ने शिव को संपत्ति से बेदखल कर दिया। दोनों बच्चों को कोलकाता में ही छोड़कर विमी और शिव मुंबई शिफ्ट हो गए। अब विमी फैमिली में सोलो अर्नर थी। कहा जाता है कि उस वक्त उनके दरवाजे पर प्रोड्यूसर की कतार लगी रहती थी और वे एक फिल्म के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करती थी। बाद में विमी की कई फिल्में फ्लॉप हुई और उनके पास पैसों की कमी आने लगी। इसके चलते उन्होंने जो स्थित अपने बंगलों को छोड़ना पड़ा। अब वे मुंबई के एक सबर्स एरिया में साधारण तरीके से ज़िंदगी जीने लगी। विमी के हस्बैंड खूब शराब पीने लगे थे। इतना ही नहीं, वे पैसों के लिए विमी पर छोटे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का दबाव भी बनाने लगे। धीरे धीरे विमी और शिव के रिश्ते में दरार आने लगी और फाइनली उन्होंने तलाक का फैसला ले लिया। ज़्यादा शराब पीने से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यही वजह है कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वे मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल की जनरल वार्ड में भर्ती रही। 22 अगस्त 1977 को नानावटी हॉस्पिटल में ही विमी का निधन हो गया। लेकिन उस वक्त उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था।